आज आप लोग का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल लकी आर्ज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा दोस्तों, 2021 में आप लोग न्यू टॉयलेट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कि स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा जितने भी घर हैं सभी में टॉयलेट करना अनिवार्य हो गया है, ठीक है। इसके लिए दोस्तों जो गरीब हैं, जो टॉयलेट नहीं बना सकते हैं, उसके लिए सरकार मुफ्त में टॉयलेट बनवा रही है एंड उसको टॉयलेट बनवाने के लिए 12,000 रुपये का दान कर रही है, जिसके तहत आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आप टॉयलेट के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। एंड दोस्तों यहाँ पे 100% आप लोग का अप्रूवल करके दिखाऊंगा, लाइव यहाँ पे मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। सबसे पहले अप्लाई करने के लिए बेसिकली आप लोग को मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आपको उस पे आ जाना है। ये दोस्तों नेशनल की वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है एंड यहाँ पे दोस्तों आप लोग को क्या करना है, दो तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, एक होता है ऑफिशियल लॉगिन, एक होता है एप्लीकेंट लॉगिन। तो हम लोगों को अप्लाई करने के लिए बेसिकली यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड कैप्चा डाल के लॉगिन पे क्लिक करना है। एंड दोस्तों अगर आप लोग एक इंडिविजुअल मैन हो, आप लोग के पास कोई भी कॉमन सर्विस सेंटर नहीं है, तो आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे नीचे होगा ऑप्शन दिया गया है न्यू एप्लीकेंट, आप इस पे क्लिक कर दोगे। जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक कर दोगे कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, स्टेट, अपना आईडी टाइप में सिलेक्ट कर लेना, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आप लोग देना चाहते हो, ठीक है। इसके बाद आईडी नंबर डाल देना है, जैसे मैंने पैन कार्ड चूज किया, पैन कार्ड का नंबर डाल दूंगा। अगर आप यहाँ से आधार कार्ड चूज करोगे तो आधार कार्ड का भी नंबर आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो भी कैप्चर दिया हुआ है उसको फिल करना है एंड रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे रजिस्टर्ड पे जैसे क्लिक कर दोगे, आप लोग का जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया गया है उसमें आप लोग का यूजर आईडी एंड पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। यूजर आईडी आपके मोबाइल नंबर पे सेंड कर देने के बाद आप लोग को यहाँ पे अपना लॉग इन कर देना है, जैसे कि यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंड जो भी कैप्चर दिया गया है उसको फिल करना है, लॉग इन पे क्लिक कर देना है। ये हो गई इंडिविजुअल मैन, अगर आप लोग के पास कोई भी तरह का कॉमन सर्विस सेंटर नहीं है तो। अगर दोस्तों आप लोग के पास एक कॉमन सर्विस सेंटर है यानी कि सीएससी है, तो आप लोग को कुछ भी नहीं करना होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है लॉग इन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट, आप लोग को इस पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप लोग इस पे क्लिक कर दोगे, अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालोगे अपने सीएससी सेंटर का, आप यहाँ पे साइन इन कर दोगे, ठीक है। दोस्तों आप लोग यहां पे साइन इन कर दोगे, आप लोग को कुछ भी नहीं करना होगा। मैंने आप लोग को दोनों तरीका बता दिया, अगर आप लोग इंडिविजुअल हो तो कैसे आप लोग यहां पे इसका यूजर आईडी एंड पासवर्ड ले सकते हो। अगर आप लोग इंडिविजुअल नहीं हो, कॉमन सर्विस सेंटर हो, तो आप लोग को रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, यूजर आईडी पासवर्ड लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। दोनों ही मुद्दों में सेम इसी तरह का इंटरफेस आना है और इसी यहीं पर आना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाने के बाद एक ऑप्शन आता है डिस्ट्रिक्ट, आप यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे पाकुड़ चूज कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे आप लोग को अपना नाम चूज कर लेना है, जहां पर भी जो भी एरिया में आप लोग बिलोंग करते हो उसको यहाँ पे चूज कर लेना है, जैसे मैं यहीं पर बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे मेरा ऑप्शन आ गया है तो मैं इस पर चूज कर लेता हूँ। अब जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो आप अपने इस डिस्ट्रिक्ट के वाइज यहाँ पे चूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप लोग को क्या करना होगा दोस्तों, आप लोग को एक ऑप्शन दिया गया है वार्ड नंबर, आप किस वार्ड नंबर से बिलोंग करते हो आप यहाँ पे चूज कर लोगे। एंड यहाँ पे आप लोग को क्या करना होगा, नेम ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे आप लोग को क्लिक कर देना है, अपना पूरा नाम, कस्टमर का पूरा नाम डाल देना है। अगर आप लोग सेल्फ अप्लाई कर रहे हो तो आप लोग को अपना पूरा नाम डाल देना है। यहाँ पे आप लोग को चूज करना होगा अपना जेंडर, आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप लोग अपना फादर या हस्बैंड नाम डाल सकते हो। यहाँ पे आप लोग अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। यहाँ पे क्या करना होगा, अपना पूरा एड्रेस फिल कर देना है, जैसे कि विलेज, पोस्ट एंड यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फिल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है 6 नंबर में, आप इस पे क्लिक करोगे। अगर आप लोग के पास ऑलरेडी टॉयलेट है तो आप फर्स्ट वाले पे क्लिक कर दोगे। अगर आप लोग के पास कोई भी तरह का टॉयलेट की सुविधा नहीं है आप लोगों के घर में, तो आप नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। इस बात 7वां नंबर पे आप यहाँ पे कुछ भी नहीं फिल करना होगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक फिल किया हुआ रहेगा। 8वां नंबर पे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया, डू यू हैव आधार नंबर, अगर यस, अगर आप लोग के पास आधार नंबर है तो यस कीजिए, नहीं है तो आप लोग नो कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आधार नंबर यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि दोस्तों लगभग इंडिया में सभी के पास आधार नंबर होता है, तो अपना यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है। एंड यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, ये कुछ भी फिल नहीं करना होगा, ये ऑटोमेटिक फिल किया हुआ रहेगा। एंड नीचे आना, यहाँ पे डाल सकते हो आप लोग बैंक अकाउंट डिटेल्स, यहाँ पे आप लोग को क्या करना होगा, अपना आईएफएससी कोड, जो भी आप लोग का बैंक का आईएफएससी कोड होगा उसको फिल कर देना है एंड सर्च पे क्लिक करना है। यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक कर देना है, कन्फर्म अकाउंट में क्लिक कर देना है, क्योंकि दोस्तों अप्रूव हो जाने के बाद 12,000 तक का पेमेंट आपको इसी बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा, ठीक है। कैसे अप्रूव करवाना है मैं आप लोग को यहाँ पे कंप्लीट जानकारी दूंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है पासबुक फर्स्ट पेज स्कैन कॉपी, आप इस पे क्लिक करोगे, जहां पर भी आप लोग का पासबुक है आप उसको क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आप लोग को अपलोड करना होगा। फर्स्ट कॉपी ऑप्शन दिया गया है फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट, जिसका भी आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे टॉयलेट के लिए, आप उसका यहाँ पे चूज करोगे, उसका पूरा फोटो आना चाहिए, ठीक है।
फोटो को यहाँ पे आप लोग को अपलोड करना होगा। इसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर देना होगा एंड अप्लाई पे क्लिक कर देना होगा। जैसे दोस्तों आप लोग अप्लाई कर दोगे, वहां पे आप लोग के पास एक रेफरेंस आईडी सेंड कर दिया जाएगा आप लोग के मोबाइल नंबर पे, और डैशबोर्ड में भी आप लोग का एक रेफरेंस आईडी शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को अपना स्टेटस चेक करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया स्टेटस, आप इस पे क्लिक करोगे एंड फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेंट आईडी आप लोग को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जो भी आप लोग को मिलेगा जो की डैशबोर्ड में रहेगा। ठीक है, मैं आप लोग को लाइव यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एंड यहाँ पे अपना पूरा नाम, जो भी एप्लीकेंट का आपने अप्लाई किया था उसका पूरा नाम यहाँ पे टाइप कर देना है एंड सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे सर्च कर दोगे तो कुछ भी नहीं करना होगा, कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, जैसे कि फोटोग्राफ वगैरह वगैरह कुछ आएंगे, आप उस पर चूज फाइल करोगे, अपलोड कर दोगे। तो दोस्तों यही एक बेसिक सा एंड कंप्लीट सा डिटेल्स था कि आप टॉयलेट कैसे ले सकते हो, मतलब शौचालय कैसे लिवा सकते हो, ऑनलाइन आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग एक कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हो, सीएससी सेंटर हो, तो आप लोग के लिए मैंने कंप्लीट जानकारी बताया। अगर आप लोग एक इंडिविजुअल मैन हो तो भी मैंने आप लोग के लिए कंप्लीट जानकारी बताया कि आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो। दोनों ही तरीका सेम है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, मैंने यहां पे आप लोग को लाइव बताया। ठीक है, अब चलिए मैं बात कर लेता हूं कि आपको अब इसका अप्रूवल कैसे मिलेगा, अगर आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है टॉयलेट के लिए और आप लोग को टॉयलेट कैसे मिलेगा जल्द से जल्द। तो उसके लिए आप लोग को कुछ भी नहीं करना होगा, यहाँ पे अप्रूवल कराने का कोई भी प्रोसीजर चालू नहीं किया गया है, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग सही तरीके से फिल करते हो तो 1 मंथ के अंदर गारंटेड आप लोग का 12,000 रुपया आप लोग के अकाउंट में सेंड कर दिया जाएगा एंड आप लोग को शौचालय मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अप्रूवल कराने का कोई भी तरीका यहाँ पे चालू नहीं किया गया है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं, ये हुआ अर्बन एरिया के लिए जो शहरी एरिया में बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना हो, ग्रामीण एरिया के किसी भी तरह का ऑनलाइन प्रोसीजर चालू नहीं किया गया है। ठीक है, उस एरिया में शौचालय लेने के लिए बेसिकली आप लोग को क्या करना होगा, अपने ब्लॉक के कर्मचारी जो होते हैं उनसे मिलना होगा एंड उससे रिक्वेस्ट करना होगा एंड मुखिया का एक सिग्नेचर लगेगा। ठीक है, मुखिया पहचान पत्र लगेगा एंड वहां पे जाके आपको उसको जमा करना होगा ऑफलाइन ही। ठीक है, इसके बाद वहां पे 1 या 2 मंथ के अंदर आप लोग को पैसा दिया जाएगा 12,000 या 15,000 रुपया का, आप अपने स्टेट के वाइज आप लोग को पैसा मिलेगा। ठीक है, तो यही बेसिक सा कंप्लीट एंड डिटेल्स था कि आप ग्रामीण एरिया से हो तो कैसे शौचालय ले सकते हो एंड अगर आप लोग शहरी एरिया से हो तो आप लोग कैसे शौचालय ले सकते हो एंड दोस्तों अगर आप लोग एक कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हो तो आप लोग को कैसे फायदा मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट जानकारी मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया। आशा करता हूँ इस वीडियो में आप लोग को काफी अच्छी जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो में यही था, मिलते हैं और एक ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय दोस्तों।